नमस्ते अगेन दैट इज़ ए नोटिफिकेशन रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी पार्ट थ्री क्योंकि हमने इसका पार्ट वन पार्ट टू में देखा है फोर्टी थ्री का एप्लीकेशन देखा है फर्दर इशू में जब पब्लिक के पास आप जा नहीं सकते पहले आपको अपने एग्जिटिंग शेयर होल्डर के पास जाना है तो एग्जिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एम्प्लॉयज़ के पास आप जा नहीं सकते पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाना है अगर वहीं से ही आपका नीड फुलफिल हो गया तो फिर टेंशन ही नहीं उसके बारे में हमने देखा है अब हम यहां पर हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 73। थ्री प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस सर हाँ जी सर प्राइवेट कंपनी है तो ये क्या बढ़ा रहे हो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट कंपनी थोड़ी पब्लिक कैसे जा सकती है देखो स्टूडेंट्स बात समझो सेक्शन 73 में सबसेक्शन uh, 2 में आप यहाँ सेक्शन टू देख सकते हो लास्ट लाइन में देखो ए बी सी डी ई e, एफ छ कंडीशन दी हुई है पहले समझ लो मैं समझ गया हूँ बात क्या है लिखा प्राइवेट कंपनी है हेडिंग पब्लिक दिया हुआ है बात गले से उतर रही मैं समझ रहा हूँ लेकिन आप बात समझिए जो यहाँ पर छह कंडीशन दिए ए ओरिजिनल एक्ट में दिए हुए यहाँ छह आएंगे नहीं अब पहली बात

अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ये दोनों प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से ले सकती है ठीक है ये छह कंडीशंस पूरा करने के बाद वो अपने मेंबर से ले सकती है 76 धारा सेक्शन 76 में पब्लिक कंपनी कैन गो टू द पब्लिक आफ्टर फुलफिलिंग द सिक्स कंडीशंस एज गिवन इन 73 थ्री टू यानी यही यानी पब्लिक कंपनी को भी अगर पब्लिक के पास जाना है डिपॉजिट्स लेने तो उसको भी फुलफिल करने पड़ेंगे पब्लिक कंपनी सेक्शन 76 में हा पब्लिक के पास जाएगी तो उसको भी सेक्शन सेवनटी थ्री टू के कंडीशन यानी दोनों कंपनी को छह कंडीशन पूरा करने हैं तो नोटिफिकेशन में क्या किया है प्राइवेट कंपनी के लिए ए बी सी डी ई पांच कंडीशन निकाल दिए गए हैं खाली एक ही रखा है एफ वाला प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी को यहां आकर सेवेंटी थ्री टू में ये छ के छे पूरे करने पड़ेंगे पब्लिक कंपनी को पब्लिक कंपनी गोइंग टू पब्लिक यस सर अंडर सेक्शन सेवेंटी सिक्स यस सर फुलफिल सेवेंटी थ्री टू ए बी सी देन यू कैन गो ओ यहां पर ए आ गया है क्योंकि दोनों कंपनियों को एक्चुअली ये कंडीशंस पूरे करने है दे। ए देख लीजिए ना टू सच रूल एज मे प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी इफ एनी

शेल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स मनी नॉट एक्सीडिंग हंड्रेड परसेंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड ऑफ़ शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व एंड सच कंपनी शेल फाइल द डिटेल्स ऑफ मनी सो एक्सेप्टेड टू द रजिस्ट्रार इन सच मैनर एज में स्पेसीफाइड यानी सेवेंटी थ्री टू में प्राइवेट कंपनी इज गोइंग टू द मेबर्स और ऑफकोर्स उसका जो पेड ऑफ कैपिटल और रिजर्व है उससे हंड्रेड परसेंट ऑफ द उससे ज्यादा वो डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे तो उनको 73.2 में जो छह कंडीशन में ए से लेकर एफ तक उसमें ए से लेकर ई e की जरूरत नहीं है वो खाली पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा इफ गोइंग टू पब्लिक ओके हाँ जी नेक्स्ट हो गया रिक्वायरमेंट्स ऑफ जनरल मीटिंग वहां है यह सब तो रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ वैलिड मीटिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग स्टेटमेंट टू बी एन एक्स कोरम चेयरमैन प्रोक्सिस वोटिंग राइट वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड्स डिमांड फॉर पोल ये सारे के सारे जो सेक्शंस है रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक के लिए सब एप्लीकेबल है Notification dated 5th June shall apply unless otherwise specified in the articles of the company. Okay, and if something is specified in the articles of the company related to any of this, follow that. Follow that if the articles are silent, this will be applicable. So, shall apply unless otherwise specified by the articles of the company. And with that, uh, namaste.